हीरन से बात कह के जाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। सभी बाबा के बच्चों को बहुत दिनों से इंतज़ार था, आज वो दिन आ गया है। आज शिव बाबा की वाणी, शिवानी दीदी और मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी सुरेश ओबराय भाई जी हमारे साथ है। कल से ही हम इतनी डिवाइन प्योर पावरफुल वेव्स हम रिसीव कर रहे हैं शिवानी दीदी और सुरेश ओबराय भाई जी का। हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं ब्रह्मा कुमारी दीदियों से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया स्टेज पर आए और हमारे आए हुए मेहमानों को फूलों और बैज के साथ उनका स्वागत करें। आरती ले भारती है पत्नी हारती, मूल्य भरे दृश्य ले आई नव सदी। स्वागत करे मिलके सतयुग का, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आरती ले भारती है पत्नी हारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करे मिलके सतयुग का, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आध्यात्म के आधार से, सहयोग से, सहकार से। आध्यात्म के आधार से, सहयोग से, सहकार से, सुविचार से, सत्कार से, शुभकामना व प्यार से। स्वर्ग ला के लेंगे दम, लेते हैं कसम। स्वागतम स्वागतम
धन्यवाद अर्शिया। आज सुनहरी अवसर हमें मिला है सुरेश भाई जी को सुनने का। सुरेश भाई जी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। भाई जी ने पिछले 35 सालों में 250 से ज़्यादा फिल्मों में किरदार निभाया। 1987 एंड 88 में आपको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर से नवाजा गया। भाई जी ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो शो से की। जीना इसी का नाम है एक फेमस शो भी भाई जी ने होस्ट किया। आप वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन के गुडविल एम्बेसडर हैं। आपका मानना है कि आध्यात्मिकता ही सच्चे प्यार और खुशी को अनुभव करने का एकमात्र तरीका है। दो लाइनें भाई जी के लिए। आप आए बाबा के घर में, ये बाबा की ही कुदरत है। आप आए बाबा के घर में, ये बाबा की ही कुदरत है। कभी हम बाबा के इस घर को और कभी आपको देखते हैं। भाई जी से निवेदन करूंगी कि वो अनुभव हम सबके साथ साझा करें। सुरेश भाई जी। ओम शांति। ये बाबा की कुदरत है कि हम लुधियाना में भाई बहनों में पधारे हैं। कभी हम आपको देखते हैं, कभी लुधियाना को देखते हैं और कभी बाबा को देखते हैं। इतना अच्छा लग रहा है जैसे विदेश जाके बहुत सालों बाद कोई आते हैं, अपने घर आते हैं, फैमिली से मिलते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि अपने परिवार में घर आया, घर वापस आके ऐसा लगता है। इतना सुंदर वाइब्रेशन है भाई बहनों का। मुझे अक्सर कहा जाता है कि आप बताइए कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों आ गए। और खैर आप तो खैर
हमारे भाई बहनें बाहर वाले बोलते आपके साथ पता नहीं क्या हादसा हो गया उस बेचारे के साथ, इतना अच्छा एक्टर था, इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा बन सकता था और भी, पता नहीं उसको कोई किस दुख ने इस रास्ते पर ले आया। सुन 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 कर मैं दुख नहीं लाया, मैं दुखी था, दुख से सुख में आ गया हूँ भाई। उनको समझ में नहीं आती है बात, बिल्कुल समझ नहीं आती भी क्या करो उसको। मैं ऐसे लंदन में बोर हो गया था, मैंने बोला थोड़े दिन जाके घूमते हैं, फ्रेंड के घर गया, वहाँ भी बोर हो गया, बड़ा लो मूड में था। तो ऐसे ही ट्रेन तो वहाँ पता नहीं कोई भी एक बार ले लो तो उतरो छोड़ो चलता था, ऐसे उतर गए कोई स्टेशन पे, सामने लिखा था यूनिवर्सिटी ऑफ, मैंने बोला स्पिरिचुअलिटी की कोई यूनिवर्सिटी भी होती है दुनिया में, चलो जाते अंदर। वहाँ ऐसे गया, मिला दादी, मिली साथ ले गई दादी जान की, घुमाया फिराया। दूसरे दिन मैंने बोला दादी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इधर, यहाँ रह सकता हूँ क्या? बोले अभी हमारा अभी शुरू हुआ है, ये बनना रूम्स अभी नहीं है, लेकिन मैंने बोला दादी यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे और रहना है यहाँ, तो वहाँ जा मैं रह रहा हूँ, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। तो उन्होंने अपना वो कुछ ऑफिस टाइप और जहाँ भी थे वो क्या था उनका रूम वो खाली करके मुझे दे दिया और बोला तू यहाँ सो जा आराम से। दो दिन रखा, सुबह मुरली जाना आना, दो तीन दिन, उसके बाद आए आके वापस। प्रॉब्लम जैसे जैसे बाबा की मुरली में हमें आता है ना, माया हप कर लेती है, वापस आया, वापस माया में अपनी शूटिंग में अपने ऐसे हप कर लिया वापस। फिर दादी का फ़ोन आया मैं दो तीन महीने के बाद कि मैं आई हूँ माउंट आबू, चलो मेरे साथ। तो मैंने बोला यार ये कहाँ फंस गए, ये बिंदी और बिंदु और क्या मुसीबत, नहीं छोड़ो। और वाह नहीं मतलब मैं अटेंड ही नहीं किया, मतलब नहीं नहीं दादी मैं हाँ मैं मिल गया ठीक, बहाना बना दिया मैंने, बोला छोड़ो। पहले बाबा उतारा था उधर स्टेशन से, फिर मैं मेरे को माया ने फिर हब कर लिया। थोड़े दिन बाद फिर एयरपोर्ट पे मैं कहीं जा रहा था, फिर वहाँ दादी बैठी है वीआईपी में लाउंज में, हाँ दादी दादी दादी, मैंने बोला अरे इधर आ तू, अपना खाना मुझे निकाल ले, ये खा अरे ये खा। मैंने दादी हम तो बाहर का खाते हैं, आप तो अपना खाना, नहीं नहीं तू खा, खिला खिला के टोली भी ले, ये भी ले, कार्ड भी ले। फिर मैंने ये क्या कोइंसिडेंस है क्या है। फिर थोड़े दिन के बाद फिर और गया तो शिवानी बहन का प्रोग्राम आ गया सामने, मैं कुछ देख रहा था कोई किसी और का चैनल में, ये आ गई, मैंने बोला ये कौन है सफ़ेद कपड़े में। फिर मैंने बोला यार ये बोलती तो ठीक है, बात तो अच्छी लगती है नॉर्मल हमारी भाषा की, कोई ये तो बताते नहीं है, मतलब डिफिकल्ट कोई श्लोक लोक तो है नहीं, या तो बड़ी नॉर्मल लैंग्वेज अच्छा है। तो सेकेंड डे फिर और अच्छा लगा, फिर मैं बोला यार ये बोलते हैं कि इधर से सफ़ेद उधर से काले तीर चाहते हैं, तो तुम सफ़ेद तीर दो तुम काले तीर, मतलब ऐसे थोड़ी होता है पागल है क्या, काले एक मारा तो दस मारो, देख मगा वाला पड़ ये क्या बोल रही है। फिर दूसरे तीसरे दिन रहा नहीं गया, फिर लगाया, फिर चौथे दिन फिर किताब पेंसिल लेके बैठ गया मैंने, और उसके बाद फिर उधर इनका एड्रेस पूछ के उधर गया विले पार्ले इनके सेंटर पे। तो मजे की बात है दादी फिर वहाँ दादी जान की, मैंने बोला यार ये श्री बाबा जी मेरे तो पीछे पड़ गए, जहाँ जाता हूँ कभी ये आ जाती है कभी वो आ जाती है। तो फिर थोड़े दिन हो गए, मैंने बोला अभी बच्चों की शादी हो जाए, यू नो जैसे सब सोचते हैं बुढ़ापे में करेंगे। फिर मैंने बोला चलो बच्चों की शादी हो जाए फिर देखते हैं, और बच्चों की शादी हुई। मैंने दूसरे दिन फ़ोन कर दिया, मतलब मेरे दोनों बच्चों की शादी हो गई अब मैं फ्री हूँ। तब दीदी से बात हुई, वहाँ से करते 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 कैसे अंदर से कैसे परिवर्तन लाता है, पता नहीं किस जन्म का मेरा ये था अपना अच्छे कर्म,
जो यहाँ पर मैं आया और उन्होंने छोड़ा नहीं, मुझे खींच लिया जिसको खींचना होता है और सेवा भी दी। फिर ये तो बोलती थी मुझे नहीं एक्टर के साथ काम करना है, पता नहीं वो उसको कौन संभालेगा, उनके 100 मेकअप मैन 100 आदमी, पता बाकी अतराफ लोग भी बोलने लगे कि नहीं 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 नहीं, वो जो अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमार जी मैंने बोला मुझे आपके साथ करना है। मैंने फिर सोचा भी नहीं था, मैंने सिर्फ इतना ही बोला था बाबा जी ये आपकी ये टैलेंट आपका है, जिधर आपको यूज़ करना है करना है, मैं तो थक गया हूँ ये रोज़ रोज़ की फिल्म इंडस्ट्री में, वहाँ की स्मेल, वहाँ की बात, वहाँ का वातावरण अभी मुझे से संभाला नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपना करियर आपके हाथ में दे रहा हूँ, मेरा टैलेंट जैसे आपको टैलेंट आपका मैं आपका आप जानो, तब जाके इनके यहाँ हुई। वहाँ गया तो मैं फिर क्वेश्चन आंसर की लिस्ट बनाया, हैप्पीनेस अनलिमिटेड। पहली बार गए स्टूडियो ही गड़बड़ हो गई, वो सेट ही खराब बना था। दूसरी बार गए कुछ शुरू हुआ तो मैं अपनी बकबक शुरू कर दिया, नॉलेज ज्ञान छाड़ना, तो ये मुझे देखे उधर देखे इधर देखे, वो भी कैंसिल हो गया। मैंने बोला पता नहीं क्या हो रहा है, कैंसिल क्यों होता जा रहा है। फिर हम लोग वर्ड्स ही गए शूटिंग में, तो मैं अपना इतनी बड़ी लिस्ट बनाया तो उनका एक व्हाट्सएप मैसेज आया है कि सुरेश ओबेरॉय को और अपने सवालों को प्रश्नों को रात को रूम में रख के सुबह बिना उस सुरेश के तुम आ जाओ। ये क्या बोल रही, समझ में नहीं आ रहा है। सुरेश ओबेरॉय को भी मत लाओ, क्वेश्चन भी मत लाओ, कुछ नहीं लाओ, बस बाबा को लेके आ जाओ। वहाँ बैठे बाबा जी को याद किया तो काम अच्छे हो गए। थोड़े दिन के बाद मैंने सोचा एक दिन कि ये तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ मैं, जरा से अहंकार आया उस दिन ना सवाल ही नहीं निकले मुंह से, मैं सवाल नहीं करूँ तो जवाब क्या देंगे, ये भी कुछ अनकंफर्टेबल, मैं भी अनकंफर्टेबल, यूनिट भी अनकंफर्टेबल, आवाज सब एटमॉस्फेयर अनकंफर्टेबल, शूटिंग ही कैंसिल। तब मेरे समझ में आया कि शिव बाबा खुद कराता है, मुझे नहीं मालूम था ये, क्योंकि हमारे पहले टाइम पे उड़ा धड़ 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 30, 10, 20, 30, 40 एपिसोड फटाफट बन गए हैप्पीनेस अनलिमिटेड के। थोड़ा सा अहंकार आया, अहंकार आते बड़े प्यार से बोल बैठ जा हूँ तू बैठ जा पुत्र, बड़ा हो गया तेरा। तो फिर मैंने हम लोग रोज़ सुबह बैठ के, कई बार हमने ये नोट किया है कि शूटिंग में जब पहले हम बैठ के बोलते थे बाबा को बुला लो वो आएंगे तो करवाएंगे, और हमने आज तक कुछ प्रिपरेशन नहीं किया, यहाँ बैठ के कभी टाइटल रख लेते थे चलो ये शुरू करते हैं, और मुझे जब तक कैमरा ऑन होने तक यहाँ खड़ा होके ये नहीं मालूम होता था कि मैं मुंह खोलूँगा तो क्या पूछूँगा। और आज जब देखता हूँ प्रोग्राम को तो ऐसा लगता है कि ये दो कोई दूसरे लोग बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, मैं ऑडियंस बन जाता हूँ। ऑनेस्टली मैं एज एन ऑडियंस देखता हूँ, मैंने बोले ये तो मेरा सवाल मेरे को आता ही नहीं है, ये किसने बोला, ये कैसे पूछा, ये कैसे जवाब दिया, ये हुआ कैसे। तो इतने मिरेकल्स देखे कि धीरे 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 मैं अपने घर में मिरेकल देखे, जो जो बाबा के बोले बोला बाबा आपके मेरे ज्ञान में ये अड़चन आ रही है, ये तकलीफ तो ये साफ कर देते हैं। मैं पी पी के खा खा के बीमार हो गया था, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़, गुस्सा, ये इतना तो मोटा चश्मा पहनता था मैं, आँख हमेशा जलती रहती थी, सुबह लाल रहती थी, रात को वो मृत्यु ले लेते थे। तो सुबह तो फिर धीरे धीरे करके सब अपने आप, यहाँ तक मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा, जो मैं दिन में 25-50 ग्राम करता था अब 12.5-25, बहुत हल्की सी हो गई है मेडिसिन, वो भी डॉक्टर ने बोला है कि छोड़ना नहीं चाहिए एकदम, तो खाता हूँ। मेरा हार्ट का प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया। या तो ये कोई कमाल है या मिरेकल है या हो सकता है कोइंसिडेंस है। हम लोग अभी वहाँ गए थे हांगकांग, तो बड़े चश्मे वश्मे बनवा के बहुत सारे अच्छे अलग अलग बना के आया मैं घर। बॉम्बे आया तो लोग बोले हम आपको पोस्ट कर देंगे, 2-3 महीने लग गए आने में। आया जब चश्मे पहना तो कुछ दिखे ही नहीं, मैंने बोला यार अंधा हो गया मैं, ये क्या हो गया, कुछ
सारा कुछ ब्लर, नए नए चश्मे, वो आँख में, वो गाड़ी में बैठा बस का नंबर ऐसे ऐसे दिख रहा, मतलब हुआ क्या? मैं जैसे उतारा चश्मा तो सारा कुछ पढ़ा जा रहा है। मैंने बोला यार मेरा नंबर ही निकल गया। देखो आँख ठीक हो गई, हार्ट ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर, क्या सिर्फ क्या क्या, बस उसकी याद में, मेडिटेशन में। मेडिटेशन से बड़ी मेडिसिन दुनिया में मन के लिए कुछ है नहीं, और मन जो है तन को बनाता है, तो जैसा मन वैसा तन। तो बस थैंक यू सो मच। इतना ही बोलना है कि धन अपना अच्छा कमाऊँ, मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि प्योर धन घर में लाऊं, ताकि प्योर अन्न ऐसा आए और प्योर अन्न खा लूं, और वैसा ही मेरा प्योर मन बने। अब जैसा मन बनेगा वैसा मैं बोलूंगा, जैसा बोलूंगा वैसा करूंगा, और जो जो मैं कर्म करूंगा वो मेरा वो डेस्टिनी बनेगी। कर्म के साथ मेरी अपनी तकदीर खुद बनाऊंगा, और मैं अगले जन्म में चाहूंगा कि आप लोगों का साथ फिर हो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश ओबराय भाई जी, आप मिसाल हैं हम सबके लिए। आपने बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करके दिखाया है, और कैसे हमारे सारे क्वेश्चन मार्क्स फुल स्टॉप में बदल जाते हैं वो आपने बताया। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिवानी दीदी जी का परिचय लफ्ज़ों में तो बयान नहीं किया जा सकता, और पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। 2014 में एसोकैम लेडीज़ लीग की तरफ से वुमेन ऑफ द डिकेड का अवार्ड आपको मिला। 2007 में किसी टीचर के अवेलेबल ना होने के कारण अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का एपिसोड आपको अचानक से करना पड़ा, और देखो ये कितना बड़ा ड्रामा का पार्ट है कि हम बहुत सारी आत्माएँ, मैं भी उनमें से एक हूँ, जो उसको अचानक से चैनल चेंज करते करते उसको देखा, दीदी को देखा, और हम बाबा के बच्चे बन गए। तो इसी पे दो लाइनें हैं। तपती रेत में हमारे पांव जल जाते, तपती रेत में हमारे पांव जल जाते, ये लंबे रास्ते हमें डस जाते, शुक्र है चैनल चेंज करते करते आप मिल गए हमें दीदी, नहीं तो बाबा को ढूंढने पता नहीं हम कहां तक चले जाते, नहीं तो बाबा को ढूंढने पता नहीं हम कहाँ तक चले जाते। अब मैं शिवानी दीदी से निवेदन करूँगी कि वो अपने वरदानी बोल हम सबसे साझा करें। दीदी शिवानी।